हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा टेक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रामर के एक टॉपिक द आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल क्या होता है, डेफिनेशन, कितने इसके टाइप होते हैं, क्या क्या फॉर्म्स होती हैं, और कब इन आर्टिकल्स का यूज़ करा जाता है, सभी रिव्यूज देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ द दैट स्लाइटली मॉडिफाई ए नाउन इज कॉल्ड एन आर्टिकल। ऐसे सब जो कि नाउन से पहले यूज करे जाते हैं वो सभी आर्टिकल कहलाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ए बुक, बुक यहाँ पर एक नाउन है और उससे पहले हमने ए का यूज किया है। ऐसे ही एन ऑरेंज, ऑरेंज यहाँ पर एक नाउन है, उससे पहले हमने एन की यूज किया है। यहाँ पर द काउ है, काउस एक नाउन है और नाउन से पहले हमने यहाँ पर द का यूज करा है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने ए यूज करा, एन यूज करा, द यूज करा, तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स होते हैं, वो हम देखते हैं कि कब और किस जगह पर ए का यूज किया जाता है, कब एन का यूज करते हैं और कब हम द का यूज करते हैं। क्लासिफिकेशन के लिए आप देख सकते हैं, क्लासिफिकेशन में मैंने इसमें लिखा है इन दिस अबव एग्जाम्पल ए एन एंड आर modify the noun book orange and cow respectively। Now अब हम बात करेंगे kinds of the article। हमारे two types के article होते हैं, एक indefinite article होते हैं और एक definite article होता है, ठीक है। indefinite article अब बात करते हैं, चलिए बात करते हैं indefinite article। indefinite article क्या होते हैं, an article that point out indefinite the person or thing spoken। Okay. जैसे कि अ टीचर, यानी हम कह सकते हैं कि ऐसे हम इनडेफिनेट आर्टिकल में उस ऐसे व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करते हैं जो कि डेफिनेट नहीं है। जैसे कि मैं बात कहूँ ए टीचर, अब ए टीचर इट मीन्स यहाँ पर कोई भी हम टीचर हो सकता है। पर्टिकुलरली हम किसी पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति या वस्तु की बात नहीं करते, यहाँ पर कोई भी हो सकता है रैंडमली। जैसे कि बात की मैंने यहाँ पर लिखा है ए बुक, ए बुक में कोई भी बुक हो सकती है, वो रामायण बुक, रामायण की ग्रंथ हो सकता है, या फिर इंग्लिश की बुक हो सकती है, मैथ की बुक हो सकती है, हिंदी की बुक हो सकती है, तो बुक वो कोई सी बुक हो सकती है। इसी के साथ हम बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल एन आर्टिकल दैट पॉइंट आउट सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग इज कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल। पर्टिकुलर व्यक्ति और वस्तुओं के बारे में बात करते हैं तो उसके लिए हम द का यूज करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जांपल के लिए आई सॉ द टीचर यस्टरडे, इट मींस सम पर्टिकुलर टीचर। अब मैंने किसी टीचर को कल देखा तो पर्टिकुलर वही टीचर होगा, देख आप अंदर समझिएगा। दिस इज द बुक आई वॉन्ट, यह वही बुक है जो मुझे चाहिए थी। इट मीन सम पर्टिकुलर, मुझे जो बुक चाहिए थी वो एक पर्टिकुलर बुक है, इसलिए हमने यहाँ पर द का यूज करा है। अगर इसको अगर सिंपली कहा जाए, इनडेफिनेट आर्टिकल्स वो आर्टिकल होते हैं जो कि किसी रैंडमली या फिर अननोन व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात की जाती है, और डेफिनेट आर्टिकल में एक पर्टिकुलर ही किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के बारे में ही बात की जाती है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। आर्टिकल यहाँ पर मैंने इसको क्लासिफाई किया है, आर्टिकल हमारे टू टाइप्स होते हैं। इंडेफिनेट आर्टिकल जो कि हमारा दो फॉर्म्स होता है इंडेफिनेट आर्टिकल का, एक ए और एक दूसरा एन। दूसरा हमारा होता है डेफिनेट आर्टिकल जिसकी केवल सिंगल फॉर्म होती है जो कि हम द का यूज करते हैं। डेफिनेट आर्टिकल के अंदर द आता है, इंडेफिनेट आर्टिकल के अंदर दो आते हैं, ए का प्रयोग और एन का प्रयोग। चलिए देखते हैं कब और कैसे इनका प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं हम इंडेफिनेट आर्टिकल। देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल की टू फॉर्म होती हैं ए और एन, दो फॉर्म होती हैं ए और एन। अब हम बात करेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ ए, कब हम ए का प्रयोग करते हैं। इट इज यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसका प्रयोग हम काउंटेबल नाउन में करते हैं, जो कि काउंटेबल नाउन मीन्स जो कि जिसको गिना जा सके, उन नाउन्स के लिए हम ए का प्रयोग करते हैं।
इट इज यूज्ड बिफोर द वर्ड विच बीइंग विद कॉन्सोनेंट्स एंड ऑल्सो साउंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स। ए का प्रयोग हम जब करते हैं जब कोई वर्ड कॉन्सोनेंट्स हो और उसका साउंड भी कॉन्सोनेंट्स हो, जब हम ए का यूज यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं अ बॉय, ए काउ, अ हाउस एक्सेट्रा। थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड प्रॉपर्टी है इफ अ वर्ड बीइंग विद अ वोवेल्स बट साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट्स अ इज यूज्ड। जैसे कि इंग्लिश में कोई भी लेटर ई, ए ई आई ओ यू वोवेल्स से स्टार्ट हो बट उसमें साउंड जो हो वो कॉन्सोनेंट हो, तो हम उस जगह ए का ही यूज करेंगे। जैसे कि आप अब एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी हिंदी में य से स्टार्ट होता है यू, तो इसलिए हम इसमें ए का यूज करेंगे। ऐसे ही इसी सेम एग्जाम्पल यूरोपियन है, तो यूरोपियन भी यूज य से स्टार्ट होता है हिंदी साउंड्स में, तो इसलिए हम उसको साउंड यहाँ पे यू का आ रहा है, य का आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे। एंड वन आईड मैन यानी डब्ल्यू से, मतलब साउंड इसका है व से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए हम इसको ए का ही यूज करेंगे। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है इसकी जो कि कहती है कि इट इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन। इसका एन का प्रयोग हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ कर सकते हैं, जो सिंगुलर वर्ड्स होते हैं उनके साथ हम इसका यूज कर सकते हैं। इट इज यूज बिफोर अ वर्ड विच बींग विद अ वोवेल्स एंड ऑल्सो साउंड्स ऑफ अ वोवेल्स। इसका मतलब है कि ऐसे शब्द जो कि वोवेल्स हो और उनका साउंड सिर्फ वोवेल्स ही हो, हम उसके साथ एन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एन ऑरेंज, अब हिंदी में ऑरेंज ओ से स्टार्ट हो रहा है जो कि वोवेल है, और ओ यानी ये ओ का ही ओ से ही स्टार्ट हो रहा है। ऐसे ही सेम एग्जांपल एन एलिफेंट है, एन अम्ब्रेला, ये आपके एग्जांपल दे रखे हैं। थर्ड प्रॉपर्टीज है इफ ए वर्ड बीइंग विद अ कॉन्सोनेंट्स बट अ साउंड्स ऑफ अ वोवेल एन इज यूज्ड। एग्जाम्पल जैसे कि एन एम ए, अब आप कहेंगे कि एम एक कॉन्सोनेंट है बट आप अगर इसको हिंदी में या फिर अगर आप इसका उच्चारण करें या इसको साउंड्स देखें तो एम एम ए से स्टार्ट हो रहा है, एम से स्टार्ट हो रहा है, तो हम इस यहाँ पर एन का यूज करेंगे। ऐसे ही एस पी, तो एस पी यहाँ पर कॉन्सोनेंट्स वर्ड है, कॉन्सोनेंट्स है लेटर बट यहाँ पर जो साउंड आ रहा है वो हमारा वोवेल का है, तो इसलिए हम यहाँ पर एन का यूज करते हैं। आप समझ गए होंगे। फोर केसेस है इसका, मतलब फोर यूज है इसका। इन केस ऑफ साइलेंट एच आर्टिकल एन इज यूज्ड। अगर हमारा एच साइलेंट होता है तो जब भी हम एन का ही प्रयोग यूज करते हैं, जैसे एन ऑनेस्ट मैन, यहाँ पर एच साइलेंट है इसलिए हम यहाँ पर एन का ही यूज करेंगे। करते हैं डेफिनेट आर्टिकल जिसके अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ द। डेफिनेट आर्टिकल की एक ही फॉर्म होती है जिसमें हम द का यूज करते हैं, तो हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द दी, यूजेस ऑफ दी। फर्स्ट प्रॉपर्टीज की होती है इट इज यूज्ड बिफोर बोथ द काउंटेबल और अनकाउंटेबल कॉमन सिंगुलर प्लूरल कॉमन नाउन्स। तो इसका प्रयोग हम काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों ही नाउन्स सिंगुलर प्लूरल के साथ कर सकते हैं, जैसे द बुक हुआ, द का पीपल ऑफ, दी पीपल ऑफ इंडिया, तो इसमें हम देख सकते हैं। सेकंड एग्जांपल इसका यूजेस ऑफ है इसका, इट इज यूज्ड इन केस ऑफ रिपीटेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन और रिपीटेशन, देयर वाज अ किंग, द किंग हैड फोर सन्स, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप रिपीटेशन हुआ है, रिपीट हुआ है कोई वर्ड, तो देयर वॉज अ किंग, यहाँ पर एक किंग की बात की गई हो और वही फिर से किंग का रिपीट हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर द का यूज किया गया है। और किंग एक पर्टिकुलर है, तो इसलिए मेन यहाँ पर निकल के आता है पर्टिकुलर थिंग, यहाँ पर कह रहा, यहाँ पर दिया गया है देयर वॉज अ किंग और फिर कहा गया है द किंग हैड फोर सन्स, तो उसने कहा है कि उस राजा, यहाँ पर एक पर्टिकुलर राजा है, तो आप देख सकते हैं कि ये वो राजा था जिसके चार बेटे थे, तो पर्टिकुलर एक राजा के बारे में बात की गई है, तो इसलिए हम यहाँ पर द का प्रयोग, द का यूज कर।
इस PDF को मैं नीचे अटैच कर दूंगा, जिससे आपको कभी भी जरूरत पड़े तो आप इस नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं।